प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि प्रधानमंत्री कल लगभग 11 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचकर यूपी इन्वेस्टर्स समिट के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के तीसरे चरण में भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दौरान प्रधानमंत्री 80,000 करोड़ रूपये से अधिक की 1,406 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। परियोजनाओं में कृषि, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएसएमई, विनिर्माण, अक्षय ऊर्जा, फार्मा, पर्यटन, रक्षा, एयरोस्पेस, हथकरघा और कपड़ा आदि जैसे क्षेत्रों से जुड़े उद्योग शामिल हैं। इससे पहले वर्ष 2018 में 21-22 फरवरी में पहला और दूसरा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 28 जुलाई 2019 को आयोजित किया गया था। पहले ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दौरान 61,500 करोड़ रूपये से अधिक मूल्य की 81 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया था और दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में 67,000 करोड़ रूपये से अधिक लागत वाली 290 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की एक परिकल्पना है, माननीय प्रधानमंत्री जी के जो उनके संकल्प हैं आत्मनिर्भर, और दूसरा उत्तर प्रदेश को एक नया उत्तर प्रदेश बनाने की जो परिकल्पना है जिसमें औद्योगिक निवेश अधिक से अधिक हो, औद्योगिक निवेश अधिक से अधिक हो रहा है, क्योंकि पिछले 5 सालों में प्रदेश में वातावरण सुधरा है, हर तरफ वो इंफ्रास्ट्रक्चर और अवस्थापना सुविधाएं बढ़ी हैं, कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, डिजिटाइजेशन हुआ है, निवेश मित्र पोर्टल हुआ है, उसको देखते देश और दुनिया के बहुत सारे हमारे जो उद्यमी है वो यहाँ पर आगे निवेश कर रहे हैं। और उसी निवेशों की प्रक्रिया में पहला इन्वेस्टर समिट हुआ था, उसमें 4,68,000 करोड़ के जो है वो निवेश पत्र प्राप्त हुए थे, उनको अब ग्राउंड हो रहा है। तो ये तीसरी जो है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है जिसका कि माननीय प्रधानमंत्री जी उसका शिलान्यास करेंगे, जिसमें कि लगभग 1400 से अधिक प्रोजेक्ट, 80,000 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट जो कि ग्राउंड हो रहे हैं, विभिन्न कार्यान्वयन की विभिन्न प्रक्रियाओं में है, उनका ये कल कार्यक्रम होगा। जो आप देख रहे हैं हमारा जो बड़े उद्योग हैं उनका एक एग्जीबिशन लगा, इसी के साथ साथ एक जनपद एक उत्पाद योजना जो कि एक फ्लैगशिप स्कीम है, जो कि पूरे देश में दुनिया में जहां पर भी उद्योगों का विकास हुआ है वो क्लस्टर में हुआ है, और हमारे जो पारंपरिक उद्योग हैं उनके क्लस्टरों को जो है आगे बढ़ाकर और उन उत्पादों को आगे बढ़ाकर वोकल फॉर लोकल और स्थानीय उत्पाद है उनको आगे बढ़ाकर हमारी जो इकॉनमी है, जो अर्थव्यवस्था है उसको और बेहतर किए जाने के प्रयास में उनका भी जो है एक पूरी प्रदर्शनी यहां लगाई गई है।